आपने स्कूलों में पढ़ा होगा कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप में बदलने लगता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता बल्कि 60 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 10 डिग्री सेल्सियस होता है, आई नो ये आपको थोड़ा अजीब सा लगा होगा। तो चलो जल्दी से आपकी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्टीट्यूड के साथ बदलता रहता है, यानी कि अगर आप पानी को ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाके बॉइल करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ना होके कुछ और होगा। जैसे अगर आप समुद्र तल से 27 किलोमीटर ऊपर पानी को ले जाकर बॉइल करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और अगर आप पानी को समुद्र तल से 300 मीटर नीचे ले जाकर बॉइल करेंगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 230 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि पानी के बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पर चेंज आ रहा है, ये सब सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज होने के कारण हो रहा है। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो कि धरती के द्वारा लगाया जाता है। जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड की ओर बढ़ते हैं वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है, और जैसे ही हम नीचे आते हैं नीचे की ओर आते हैं तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने लगता है। तो फ्रेंड्स यही कारण है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होने की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।